कैची वाला रामसा वाला में लगे 6 स्टोन क्रेशर उड़ा रहे एनजीटी के नियमों की धज्जियां। खुलेआम हो रहा अवैध खनन मामला। देहरादून राजधानी के विकास नगर तहसील क्षेत्र के कैची वाला रामसा वाला गांव के नजदीक लगे 6 स्टोन क्रेशरों का है, जो कि एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे पर्यावरण, आम जनमानस, पशु पक्षियों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं स्वर्णा नदी पर लगे ये स्टोन क्रेशर खुलेआम नदी से दिन रात उपखनिज उठा रहे हैं, जिससे सरकार को रोजाना लाखों का घाटा हो रहा है, मगर जिम्मेदार प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ दिखता है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कैंची वाला रामसावाला में लगे स्टोन क्रेशरों की खबर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में खनन विभाग और उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रेशरों का निरीक्षण किया, जिस पर एसडीएम ने जांच करने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका का कहना है कि खनन विभाग के साथ मिलकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अभी जो ये पछवाड़ून क्षेत्र में कुछ स्टोन क्रेशर लगाए गए हैं, इनकी एक रूटीन में खान विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है कि नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, कितना इनके पास मटेरियल है, उसकी एक रूटीन अभी चेकिंग की जा रही है। सर कितने जगह आप गए हैं और क्या जो चेकिंग की, क्या उसमें पाया है अभी तक? अभी 4 जगह हमारी चेकिंग हो गई है, टीम के द्वारा कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है, देखा जाएगा, क्योंकि उसमें रॉयल्टी से अधिक माल तो नहीं उठा है और अन्य जगहों पे कोई अतिरिक्त माल तो डंप नहीं किया गया, इसकी हमारे द्वारा जांच करके रिपोर्ट तैयार करके दी। सर पीछे नदी भी काफ़ी खोद दी गई है, राजस्व को बड़ा छूना लगाया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई आपने नदी पर की अवैध खनन करने वालों पर? नहीं, अभी जो एक इसके सामने जो नजदीक चल रही है यहाँ पर एक पट्टा है वन विकास निगम जो उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, और उस पर अभी हमारे द्वारा रिपोर्ट तलब की जानी है कि कितने उनके द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा ही इस पूरी जो प्रक्रिया होती है हमारी परमिशन की, और फिर डिपार्टमेंट से हमें इसकी परमिशन आती है, तो अगर कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की शिकायत हमारे संज्ञान में आएगी तो हम तत्काल उस पर जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो क्या इसमें क्योंकि मॉनिटरिंग जो है GMBN और माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि रॉयल्टी भी उसी हिसाब से कटती है, तो अगर कहीं इस तरह की कोई बात है तो हम कम्युनिकेट कर देंगे GMBN। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।